जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सागर रूके टेक में। तो देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से ITI वालों के लिए फुली परमानेंट बेसिस पर एक वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो वो फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दे दिया था कि इसमें देखिए आपका परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी आने वाला है। तो फाइनली इसका जो फुल नोटिफिकेशन है इसी को मैंने फिलहाल में ओपन करके रखा है, जिसमें हम जानने वाले कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, कितना वैकेंसी है, साथ ही इसका जो है फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है, इसका सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और साथ ही कितना आपको जो है इसमें फ़ीस लगने वाला है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना हर जॉब्स के अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन ये आया था 1/10/2022 को ही पब्लिश हुआ है। तो ये जो आपका फुली परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है, जिसमें देखिए आपका जो प्रिंटिंग कंट्रोल है उसमें जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 68 है, जिसमें UR से 35, EWS से 5, SC से 10, ST से 4 और OBC से 14। ठीक है, यानी टोटल 68 है और PWD में 8 और एक्स सर्विसमैन में 8 वैकेंसी इसमें दिया गया है। फिर देखिए आपका आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखिए जो आपका जूनियर टेक्नीशियन फिटर है उसमें 6 वैकेंसी है। आप लोग जो कैटेगरी वाइज जो है आपका मिलान कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, इसमें आपका वैकेंसी है या नहीं। फिर देखें जूनियर टेक्नीशियन टर्नर में एक ही पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए एक ही वैकेंसी निकाला गया है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में अगर देखें तो 3 है और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। और इनका अगर हम बात करें पे स्केल की तो देखें पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 18,780 से लेकर 67,390 के बीच में जो है इसका पे स्केल दिया गया है। लगभग हम ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो आपका देखिए ग्रॉस सैलरी इसमें जो है 36 प्लस या फिर 35 प्लस जो है इसमें आपका सैलरी बन जाएगा सभी अलाउंसेस इंक्लूड करने के बाद। और एक और पोस्ट है यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें ये जो है फायरमैन की वैकेंसी जिसमें एक ही है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखें तो हम 83 पोस्ट पे यहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस ने वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए अभी इसका जो क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है उसको भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल में है तो उसमें देखिए आपका 10th प्लस ITI तो चाहिए ही, बट आपका देखिए उसमें जो आपका ITI है वो होना चाहिए प्रिंटिंग में। ठीक है, प्रिंटिंग ट्रेड से अगर आप लोग ITI किए तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है, या फिर देखिए फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पॉलीटेक्निक्स, तो इसमें अगर आपका है तो भी आप लोग जो है प्रिंटिंग वाले में भर सकते हैं। फिर देखिए जूनियर टेक्नीशियन फिटर में देखिए आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT और SCVT दोनों में चल जाएगा और फिटर ट्रेड से होना चाहिए। और इसका देखिए जो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो एज लिमिट इन्होंने दिया गया है तो 18 years to 25 years होना चाहिए आपका, 2/7/1927 से देखे 1/7/2004 के बीच में। फिर देखिए इसमें जो है आपका कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये सबसे मेन बात है। फिर देखिए जूनियर टेक्नीशियन टर्नर में भी आपका ITI होना चाहिए, वो आपका टर्नर ट्रेड से आपने किया हुआ होना चाहिए। फिर देखिए जो वेल्डर है उसमें भी आपका 10th प्लस इसमें ITI चाहिए आपका वेल्डर ट्रेड से, और सभी का एज लिमिट देखिए सेम ही दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें हम तो 10th प्लस आपका चाहिए ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल में। देखिए जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम वही प्रोसेस है कि आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। फिर देखिए जो आपका फायरमैन में तो उसमें आपका थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें दिया हुआ है, जिसमें देखिए 10th पास आपका चाहिए, सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर देखिए आपका हाइट चेस्ट वगैरह इसमें दिया है, आई मस्ट बी हैव द फुल फील्ड विजन और कलर ब्लाइंडनेस आपका इसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये तो हो गया कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन आपको लगने वाला है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1/10/2022 से यानी 1 अक्टूबर से चालू हो गया, जो चलेगा आपका 31 अक्टूबर तक, और इसका पेमेंट करने का लास्ट डेट भी जो 31 अक्टूबर ही इसमें रहने वाला है। और देखिए इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका अगर UR, EWS और OBC से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा, और या फिर SC ST और PWD से आप लोग हैं तो 200 रुपये आपको जो इसमें लगने वाला है। और अभी हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका जो सिलेबस है आपको दो पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका जो
दो पार्ट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट ए में आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे। तो देखिए जो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में आपका पहले तो चार सेक्शन जान लीजिए, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें देखिए सभी से आपके जो 15-15 क्वेश्चन बनेंगे और सभी रहेंगे आपके 15-15 मार्क्स के, ठीक है। जिसमें पार्ट ए में चार सेक्शन है तो आपके 60 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक पार्ट कंप्लीट करने को आपको मिलेगी 60 मिनट और ये है आपके 60 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका पार्ट बी उसी में इंक्लूड होकर रहेगा। जो पार्ट बी में आएगा तो उसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि अगर आप लोग जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में भरते हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आएगा, या फिर टर्नर से, या फिर फिटर से, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड का आपको जो है 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो रहेगा आपका 90 मार्क्स का। और इसको भी इसके लिए भी आपको मिलेगा 60 मिनट, ठीक है। तो देखिए अगर आपके ये 60 मिनट अगर कंप्लीट हो जाते तो ये पार्ट जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है क्लोज हो जाएगा, इसको फिर से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे इसमें रहने वाले कुल मिला के देखिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है। और सबसे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम देने जब भी जाएंगे तो सभी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है। और देखिए इसका जो मिनिमम जो मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो कट ऑफ मार्क्स इसमें दिया गया है, तो देखिए जो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी उनको मिनिमम देके आपका 55% लाना ही लाना है, ओबीसी वालों को 50 और एससी एसटी वालों को 45% जो आपको इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग जो मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल है। और देखिए इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। देखिए 3 ही सेंटर इन्होंने दिया है, एक तो आपका हैदराबाद हो सकता है, मुंबई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो 4 सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 4 ही जगह जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा आपको डिटेल में ये जो नोटिफिकेशन समझा दिया है, और साथ ही ये लास्ट में ये देख लीजिए कि इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है तो वो होने वाला आपका नवंबर या दिसंबर में, आपका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट ये होने वाला है, ठीक है। यानी तब तक आपका एडमिट कार्ड भी जो पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल में अभी समझा दिया, फिर भी आपका कोई भी अगर डाउट रहता तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो कमेंट में लिख सकते हैं। और देखिए वीडियो जो है आप लोग पूरा देखा करिए, क्योंकि देखिए आप लोग जो आधा ही वीडियो देखते हो, ठीक है, स्किप कर करके, और आपको फिर जो फॉर्म फिलअप करते समय भी बहुत सी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो आप लोग जो पूरा अंत तक देखिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना इसकी हर अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।